हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में फेस्टिवल और फेयर देखने वाले हैं, करंट अफेयर जो भी रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड उनको देखेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के भी कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गणगौर फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट। इस फेस्टिवल को राजस्थान के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। लॉर्ड शिवा का मतलब गन और गौर यानी कि गौरी गॉडेस पार्वती जो हैं, गन गौर फेस्टिवल इनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है बेसिकली। राजस्थान के कुछ और फेस्टिवल्स हैं, तीज, बूंदी और पुष्कर मेला। 34th सेंग खेलांग फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय इन विच स्टेट। इसे मेघालय में सेलिब्रेट किया गया। खासी ट्राइब जो है मेघालय की, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है, सेलिब्रेट करती है। रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड लोंगते फेस्टिवल। इसे अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया और निशेज ट्राइब जो अरुणाचल में है उसके द्वारा बेसिकली इसको सेलिब्रेट करते हैं। रिसेंटली उगादी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। उगादी फेस्टिवल कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तीनों ही स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। ये न्यू ईयर डे फेस्टिवल है और कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा इन सारे स्टेट्स में इसको मनाते हैं। चापचार कोट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये फेस्टिवल मिजोरम में सेलिब्रेट करते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल है, मिजो न्यू ईयर के रूप में भी इसको मनाया जाता है मिजो पीपल के द्वारा। रिसेंटली तावी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। इस फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। हु इनॉग्रेटेड सूरज कुंड मेला 2024। सूरज कुंड मेला को हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा में। ये 37th एडिशन 2024 में सेलिब्रेट हुआ। थीम स्टेट इसमें था गुजरात और पार्टनर कंट्री तंजानिया थी। रिसेंटली गंगा सागर मेला 2024 हेल्ड इन विच स्टेट। गंगा सागर मेला होता है वेस्ट बंगाल में। कुंभ मेला के बाद सेकंड लार्जेस्ट फेयर इसको देखा जाता है इस तौर पर, और ये एनुअली वेस्ट बंगाल में होता है सागर द्वीप में। विच स्टेट सेलिब्रेटेड 4th एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल एनुअली होता है, 4th एडिशन इस बार इसका सेलिब्रेट हुआ और नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया गया। 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में ही होता है। 24th एडिशन इस बार 2024 में इसका सेलिब्रेट किया गया। एनुअल फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 1 से 10 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया गया। 10 दिन का फेस्टिवल था। नागालैंड के कुछ और फेस्टिवल्स हैं, सोकुम, समाई, हॉर्नबिल, मोआत्सु, आओ पीपल के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, सिकरेनी और मुंगमुंग फेस्टिवल, ये सारे नागालैंड के हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल रिसेंटली। इस फेस्टिवल को मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। कल्चरल फेस्टिवल है और नागा ट्राइब्स और मीटी पीपल के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर का फेस्टिवल है। रिसेंटली दिव्य कला मेला 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। इसे रिसेंटली त्रिपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया अगरतला त्रिपुरा में। समक्का सरलम्मा जात्रा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। इस फेस्टिवल को तेलंगाना में मनाया गया, यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। समक्का और सरलम्मा ट्राइबल गॉडेस हैं, हिंदू ट्राइबल गॉडेसेस, और इन्हीं को ओनर करते हुए इस सेलिब्रेट को मनाते हैं। कोया ट्राइब्स के द्वारा इसको मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 हेल्ड इन विच सिटी। ये नई दिल्ली में हुआ, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। अब आगे 2023 के फेयर्स और फेस्टिवल्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल टुक प्लेस इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में देखने को मिला, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। मिनिस्टर हैं इस समय सर्बानंद सोनोवाल। हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। इसको USI के द्वारा किया गया है ऑर्गेनाइज। USI यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। देश का ओल्डेस्ट थिंक टैंक है ये USI। इसके द्वारा इंडिया का मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और ये पहला है, फर्स्ट एवर मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। विच स्टेट सेलिब्रेटेड नुआखाई फेस्टिवल रिसेंटली। तो ये नुआखाई फेस्टिवल जो है उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। मेनली वेस्टर्न उड़ीसा में, और ये एक तरह का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है।
फिर ओडिशा के ही कुछ और फेस्टिवल्स की बात करें तो ये है रथ यात्रा, राज पर्व, कोणार्क फेस्टिवल और नब कालेबरा। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो ओडिशा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ नदी उत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? नई दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिल्ली में कौन सी रिवर है? यमुना रिवर है। तो यमुना रिवर के बैंक पर, ठीक है, यमुना के किनारे इसको सेलिब्रेट किया गया। और ऑर्गेनाइज किसने किया? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग NMCM के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली ओनम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, केरला का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये केरला में 10 दिन का एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर फेस्टिवल एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ही होते हैं, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये और केरला में ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय मलयाली कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगस वैली फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के, और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो है, लद्दाख जम्मू कश्मीर, इनके फेस्टिवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और 2023 में जो सेलिब्रेट हुआ, इसको इनॉग्रेट किसने किया? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। तो ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी मेनली तवांग रीजन जो है, बुमला पास के पास, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड कल्चरल फेस्टिवल आदि पेरुक्कू? आदि पेरुक्कू ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तमिलनाडु का एक मानसून फेस्टिवल है। पालखी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो फेस्टिवल है महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। वारकरी कम्युनिटी जो है महाराष्ट्र की, ये बेसिकली इसको सेलिब्रेट करती है। हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो पोंगल फेस्टिवल जो है इसको तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा अच्छे से, पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और जल्लीकट्टू जो है, बुल फाइट विद पीपल, ये जो गेम एक तरह का है, ये भी परफॉर्म किया जाता है पोंगल के दौरान ही। पोंगल 4 दिन का फेस्टिवल होता है। पहला दिन को भोगी पोंगल के नाम से जानते हैं, सेकेंड डे को सूर्य पोंगल के नाम से, थर्ड डे मट्टू पोंगल होता है और फोर्थ डे कानुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल रिसेंटली? तो ये ओडिशा के द्वारा सेलिब्रेट किया गया राज पर्व भी इसको बोलते हैं। 3 दिन का एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है, ओडिशा में सेलिब्रेट होता है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023? गज उत्सव को हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको सेलिब्रेट किया गया। याओशांग फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? याओशांग फेस्टिवल मणिपुर का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। मणिपुर का 5 दिन का फेस्टिवल होता है, स्प्रिंग में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और मेटी पीपल जो हैं मणिपुर के, उनके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हु इनॉग्रेटेड बरीसू कन्नड़ डिमडिमावा फेस्टिवल एट दिल्ली? तो पिक्चर में कौन दिख रहे हैं? PM मोदी, इन्हीं के द्वारा ये बरीसू कन्नड़ डिमडिमावा फेस्टिवल को दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, कर्नाटका का फेस्टिवल है ये, कर्नाटका का कल्चरल फेस्टिवल है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसको इनॉग्रेट किया गया था, मनाया गया था। कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो ये जो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी बेसिकली मुंबई में इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल एशिया का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल फेस्टिवल है ये। 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसको हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया, फरीदाबाद हरियाणा में ये हुआ। थीम स्टेट इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, हमारे पार्टनर नेशन SCO के मेंबर्स थे, जिनमें इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो ये SCO के मेंबर्स इसमें पार्टनर नेशन थे। गान नगाई फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। गान नगाई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और जेलियांग ग्रोंग कम्युनिटी जो है, इसके द्वारा इसको बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है।
मोंगीत फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो ये फेस्टिवल को असम में सेलिब्रेट किया गया. फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक कल्चर एंड फूड है ये, और माजुली में इसको सेलिब्रेट किया गया. माजुली ये असम में एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये. इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली? तो ये जो है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया ऋषिकेश में 2023 में 1 से 7 मार्च 2023 को इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया. नेक्स्ट है धनु यात्रा फेस्टिवल, लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है ओडिशा में, इसको सेलिब्रेट किया गया. साड़ी फेस्टिवल विरासत, इसको नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया. फिर नेक्स्ट है इमोइनू इराथपा फेस्टिवल, इसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया. पर्पल फेस्ट इंडिया का पहला फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन है, जिसको गोवा में सेलिब्रेट किया गया. नेक्स्ट है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जो अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया. छेरछेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है. मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल नई दिल्ली में, इसको सेलिब्रेट किया गया. लोहड़ी फेस्टिवल, फायर वर्शिप इसमें की जाती है, फायर की वर्शिप. और पंजाब का बेसिकली ये फोक फेस्टिवल है, 14 या 15 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट है थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल, ये नागालैंड में सेलिब्रेट हुआ. दिव्य कला मेला 10 दिन के लिए मुंबई महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें दिव्यांग आर्टिसंस जो होते हैं उनके उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया. 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ है. अब स्टेट वाइज कुछ फेयर और फेस्टिवल को स्टैटिक पार्ट को बेसिकली यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. तो ओडिशा के कुछ फेस्टिवल हैं रथ यात्रा, राज पर्व, नुआखाई, कोणार्क फेस्टिवल और नाब कालबेरा. तमिलनाडु के फेस्टिवल्स हैं पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि, त्यागराजा और पुथांडू, ये सारे हैं तमिलनाडु के. वेस्ट बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं गंगा सागर मेला, पौष मेला और दुर्गा पूजा. छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल्स हैं हरेली, पोला फेस्टिवल, बस्तर दशहरा. मध्य प्रदेश के हैं भगोरिया, लोकरंग, तेजाजी और खजुराहो फेस्टिवल. नागालैंड के कुछ इंपॉर्टेंट हैं सोकुम समाई, हॉर्नबिल, मोआत्सु. आओ पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है सिकरेनी और मुंगमुंग फेस्टिवल. महाराष्ट्र के हैं मरबत, पोला फेस्टिवल, गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा और किरण उत्सव. नेक्स्ट है गोवा, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं कार्निवल, साओ जुआओ, शिगमो फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल गोवा का है, मांडू फेस्टिवल एमपी का है. नेक्स्ट है केरला, यहाँ के हैं सूर्या फेस्टिवल, ओनम, विशु और पुरम. गुजरात के फेस्टिवल हैं तरणेतर फेयर, वौथा फेयर, माधवपुर मेला और काइट फेस्टिवल, ये सारे हैं गुजरात के. अगला आ जाता है आंध्र प्रदेश, जहाँ के फेस्टिवल्स और फेयर्स हैं उगाड़ी, अटला टडे, ब्रह्मोत्सवम, फ्लेमिंगो और त्यागराजा आराधना. कर्नाटका के हैं उगाड़ी, कंबाला जो है एक बफेलो रेस है, कारगा, कावेरी, संक्रमण, महामस्तकाभिषेक. तेलंगाना के फेस्टिवल हैं उगाड़ी, तीज, बंजारा ट्राइब के द्वारा तीज को सेलिब्रेट किया जाता है, बोनालू, मेदाराम जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल और बथुकम्मा फेस्टिवल. अरुणाचल प्रदेश के हैं लोसर, मोपना ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट होता है, मोपिन जो गालो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ड्री, बूरी बूट निशी ट्राइब के द्वारा मनाते हैं, फिर सोलंग, म्योको और तोरग्या फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं. नेक्स्ट है लद्दाख के, तो यहाँ पर लोसर सेलिब्रेट होता है जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, हेमिस फेस्टिवल, दोष मोशे और नरोपा. असम की बात की जाए तो अंबुबाची मेला, ये कामाख्या टेम्पल में फेमस टेम्पल है एक, जहाँ पर मनाया जाता है. फिर बिहू फेस्टिवल, बैशागु, मे डम मे फी, ये फेस्टिवल असम का है. अली आई लिगांग मिशिंग ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट होता है. नेक्स्ट है बिहार, जहाँ पर तीज, छठ पूजा, बिहुला और सोहराई फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. झारखंड में सरहुल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी इसको बोलते हैं. कर्मा, भगत पर्व, जावा और सोहराई, ये सारे फेस्टिवल्स हैं झारखंड के. अगला है पंजाब, जहाँ पर तीयन मानसून में मनाया जाता है, लोहड़ी, फायर वर्शिप की जाती है, बैसाखी, माघी मेला, बंदी छोर दिवस, गुरु पर्व, ये सारे पंजाब के हैं. हिमाचल प्रदेश का है सूही मेला, नलवाड़ी केटल फेयर, फुलैच और गोची फेस्टिवल, ये हिमाचल प्रदेश के हैं. हरियाणा के हैं बैसाखी, गुग्गा नवमी और सूरजकुंड मेला. राजस्थान के हैं गणगौर, तीज, बूंदी, पुष्कर मेला और उर्स. उत्तर प्रदेश के हैं रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि,
कंस मेला, श्रावण, रामलीला। जम्मू कश्मीर के हैं छरी, बहू मेला, दोष मोशे, हेरात फेस्टिवल और ट्यूलिप फेस्टिवल। मेघालय के हैं वांगला, बेहदिन खलम और नोंगक्रेम फेस्टिवल। मणिपुर के हैं संगाई, चायरोबा फेस्टिवल, मणिपुरी न्यू ईयर होता है ये, याओशांग और लाई हरोबा, ये सारे मणिपुर के हैं। फिर सिक्किम के हैं पांग, लाबसोल, सकेवा या फिर भूमि पूजा, सगा दावा और लसुंग फेस्टिवल। त्रिपुरा के हैं खर्ची पूजा, गरिया पूजा, त्रिपुरेश्वरी टेंपल फेस्टिवल, ये सारे त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड, जहाँ पर फूलदेई हरेला फेस्टिवल, कुंभ फेयर एट हरिद्वार, ये मनाए जाते हैं। मिजोरम में है चापचारकूट, पावलकुट, ये स्ट्रॉ फेस्टिवल है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में ओसुआरी फेस्टिवल या फिर इसको पिग फेस्टिवल भी बोलते हैं, यह मनाया जाता है। काटी बिहू फेस्टिवल इज इन असम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ अ विच ट्री और प्लांट। तो तुलसी प्लांट जो होता है, तुलसी का पौधा, उसके सामने एक दिया जलाया जाता है, उस तरह से काटी बिहू फेस्टिवल को असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तीन टाइप के बिहू फेस्टिवल होते हैं असम में, बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू, ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। फिर है कोंगली बिहू या फिर काटी बिहू, ये एनिमिस्टिक फेस्टिवल है, अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है। फिर है भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू, इसे भी कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जनवरी में सेलिब्रेट होता है। रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ, तो ये जो है लॉर्ड जगन्नाथ के ऑनर में रथ यात्रा पुरी में मनाई जाती है। नेक्स्ट है पपेटी इज द फेस्टिवल ऑफ, ये पारसीज का फेस्टिवल है। थाई पुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, इसको तमिल कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। भगोरिया फेस्टिवल मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों ही जगह इसको सेलिब्रेट करते हैं। सोकुम समाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, आंसर होगा इसका नागालैंड। देन मरबत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी, तो इसको नागपुर में सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूरिंग साओ जुआओ फेस्टिवल पीपल प्रेजेंट वाट टू ईच अदर, तो लोग जो हैं एक दूसरे को इसमें फ्रूट्स प्रेजेंट करते हैं। खिचड़ी, उत्तरायण एंड लोहड़ी आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द फेस्टिवल, तो ये सारे जो हैं मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और साओ जुआओ फेस्टिवल ये गोवा का है, बेसिकली मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सूर्य फेस्टिवल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, तो ये जो है तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द तारनेतार फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली, ये जो मेला है एनुअली गुजरात में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तिरुवनंतपुरम तो आपको पता ही होगा केरला की कैपिटल है। बूमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसको सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं। इन विच फेस्टिवल बुलॉक्स एंड अदर कैटल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्शिप्ड, ये जो फेस्टिवल है पोला इसका नाम है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर हरियाणा, इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो का यही होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।